वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेजवीर देसाई। आज फिर से नया व्लॉग में सबका स्वागत है। अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और यहाँ काफ़ी समय से मैं रुका हूँ। मेरा नाइट का स्टे यहीं पे है। सिर्फ फार्मिंग मालदारी कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनके साथ मैं रुका हुआ हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे जस्ट भेड़े होगी, आप देख रहे हो मेरे पीछे खेत में बहुत सारी भेड़े भी है, ऊँट भी है। तो मैं यहीं हूँ, इनका थोड़ा मैं व्यू दिखाऊँगा कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। बड़ा खूबसूरत व्यू है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मालदारी कम्युनिटी जो भेड़ हो लगभग 1000-2000 आसपास भेड़ है इनके पास और ये भेड़ चराते लोग। बड़ा गजब का व्यू है। तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और आप वीडियो को ज़रूर वॉच करके देखना और कमेंट करके बताना हमारा वीडियो कैसा था। और इनसे फार्मिंग के बारे में जरूर देखना, देख सकते हैं मेरे पीछे भी। अभी मैं जस्ट रोड से नीचे उतर के इधर आ गया हूँ, तो चलो इनका और भी दिखाते। सो रहा है, इसको मैं खड़ा करूंगा। अभी सो रहा है ये ऊँट, ब्लैक कलर का ऊँट है। देखो किस तरह से नींद ले रहा है, आराम से मस्त। अभी मैं इसको खड़ा करूंगा, हट्टी खड़ा हो गया जस्ट। वो सुला रहा भाई, मेरे को हो गए 10 दिन हो गए समथिंग आज एमपी में। आज फिर से मैं कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कितनी भेड़े, देख सकते हैं समथिंग 1000 के आसपास यहाँ भेड़े है। जहाँ तक नज़र आ रही है मेरी भेड़े। इधर कैमल भी है सामने, कैमल भी खड़े हैं, देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत ही आ रहा है। इधर सूर्य भगवान का भी दर्शन हो रहा है सामने, कम्युनिटी से आते लोग। सिर्फ फार्मिंग करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, काफ़ी हज़ारों की आसपास इनके पास भेड़े रहती है और ये भेड़ पालते हैं यहाँ के लोग। बड़ी खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। मैं आज का नाइट स्टे इनके साथ ही है मेरा, लगभग 2 दिन हो गया मैं इनके साथ ही रह रहा हूँ और यहाँ का लगभग जान पा रहा हूँ कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते ये, इसके बारे में सारा बताऊँगा मैं आज का व्यू। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर। देख सकते कैमल कितने ब्यूटीफुल खूबसूरत है व्यू। और इधर हो रही सी फार्मिंग, एकदम नाइट हो गई है देख सकते हैं। उधर कुछ गांव दिख रहे हैं, इधर भेड़ बकरी है। पूरी तरह से नाइट हो गई, एकदम नाइट हो गई है देख सकते हैं।
एकदम नाइट हो गई, देख उधर सकते कुछ हैं गांव दिख सुख रहे, सुख इधर की भेड़ आवाज़ आ दिख रही है, रही, ये रोड की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे पशु की आवाज़ आ रही है बहुत। पूरी तरह से नाइट हो गई। हेलो गाइस, देख सकते हैं नाइट में हमने जलाई है अभी आग, आग जला के कुछ यहाँ पे कुछ बना रही, खाना वाना इस तरह से आग बना के खाना जला रही, देख सकते हैं आप लोग पूरा व्यू। देख सकते हैं इन बच्चों ने मेरी ऊंट सवारी कराई है। और इधर दोनों बच्चे हैं, ये ऊंट खींच रहे हैं मेरा ऊंट, ये देख सकते हैं ऊंट के कान दिख रहे हैं आपको और इसकी गर्दन है पूरी, ये बड़ी गजब मजा आ रहा है ऊंट सवारी करने का भाई। देख सकते हैं आज ऊंट पे भाई, देख सकते हैं राजस्थान का नाज किया जाता है इससे, आज इस पे सफारी करने वाले हम लोग, क्या आनंद कुछ और ही आ रहा भाई। देख सकते हैं ऊंट पे बैठने का कुछ अलग ही मजा है, देख सकते हैं आप लोग क्या मस्त, इतनी ऊंचाई पे बैठा लग रहा है एकदम फर्स्ट माले पे चढ़ गया हूँ भाई। गजब गजब भाई, तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा है, सपोर्ट करो भाई, और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा मैं। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है आज, फुल हवा चल रही है, हवा क्लियर नहीं आ रही है, बस ऊंट सवारी का मजा लो बस। हेलो गाइस, कैसे हो, आज का वीडियो कैसा लगा सबको, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बनाना हमारा वीडियो कैसा था, और मालदारी कम्युनिटी के बारे में कुछ लिख के बताना ज़रूर, और कैसा था यहाँ का व्यू कमेंट करके ज़रूर बताए। अभी मैं हूँ हाईवे पे जस्ट, मेरे पीछे हाईवे आया हुआ है, NH नेशनल हाईवे, ये वाला इंदौर टू दिल्ली जाने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और वीडियो आज यहाँ तक ही एंड करते, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक पे, नए एपिसोड में मिलते वापस।